हाँ कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। हो गया, ओपन कर दीजिए उस पर। ठीक ठीक ओ तो स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या कहूँ, अपनी ही क्लास है, अपना ही चैनल है, मतलब सब कुछ आप लोगों का ही है और आप लोगों का ही स्वागत कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को गुड इवनिंग हमारी तरफ से। आवाज आ रही है, एक बार साउंड साउंड का मामला क्लियर कर दीजिएगा, आवाज का मामला क्लियर कर दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आवाज आ रही है रोहित? साउंड आ रहा है आप सभी लोगों को? एक बार आवाज के बारे में आप सभी लोग बता देना, आवाज आ रही है क्या? साउंड आ रहा है? ओके ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो ये चैनल हमने आप लोगों के लिए ही बनाया है, ये नया चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, ये आपका ही है, ये आपकी ही इनायत की वजह से ये चैनल बना हुआ है और ये आपकी अमानत है। आप सभी लोगों को ही इसको चलाना है, आप सभी लोगों को ही इसे आगे बढ़ाना है। तो आप लोगों को जितना हो सके, जितने भी ग्रुप में आपको शेयर करना हो, आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और एक बात और बता दे रहा हूँ कि इस पर आप सभी लोगों के बीच में नियमित क्लास होगी। नियमित क्लास आपके हिसाब से होगी, हमारे हिसाब से नहीं होगी। आप जो कहेंगे, जो आपके लिए उपयोगी होगा, जो आपके लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, कहीं भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, कोई दूसरा आएगा, कोई तीसरा आएगा, कोई चौथा आएगा, वो भी आपको पढ़ाएगा। और आप सभी लोग जानते ही हैं हमारे बारे में, मैं अपने बारे में क्या बताऊं। अभी तक जहां भी हमने पढ़ाया, पूरे मन से पढ़ाया, पूरी ताकत से पढ़ाया, पूरी मेहनत से पढ़ाया। कई संस्थानों में तो हर मामले में हमारा एक नंबर का स्थान रहा, आप सभी लोग जानते हैं। अनअकैडमी में काफी दिनों तक आप लोगों के बीच में रहा, करीब 2-2.5 साल तक। और वहां पे तो कुछ समय ऐसा रहा कि करीब करीब 200-250 एक्सपर्ट में यूपीएससी के नंबर एक पे मैं रहा। चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो ब्यूज का मामला हो, चाहे वो स्टूडेंट का मामला हो, या संस्थान की तरफ से जो भी रेटिंग आई। उसके अलावा भी कई संस्थानों में आप लोगों के बीच में पढ़ाता ही हूँ, पढ़ाता ही रहूँगा। और ये आपका चैनल है तो इस पे नियमित रूप से आप लोगों की क्लास होती रहेगी। एक खास बात ये है कि इस समय जो बीपीएससी की परीक्षा आप लोगों के बीच में होने वाली है, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई गई है। परीक्षा है इसलिए, लेकिन इसका मतलब आप सभी लोग ये मत समझना कि केवल बिहार बीसीएस की ही इस चैनल पर क्लास होगी। इस पर जो क्लास होगी मुख्यतया वो यूपीएससी की नियमित रूप से क्लास होगी आप सभी लोगों के बीच में। यूपीएससी के अलावा, यानी संघ लोक सेवा आयोग के अलावा, यहाँ पर आप सभी लोगों के बीच में यूपी पीसीएस की भी क्लास होगी, बीपीएससी की भी क्लास होगी। मध्य प्रदेश पीसीएस का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा या प्रारंभिक परीक्षा की बात होगी, एक प्रॉपर शेड्यूल आप लोगों के बीच में होगा। राजस्थान पीसीएस का भी होगा। और मेरी ये इच्छा है कि कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेस किया है या कहा है कि सर आपकी तरफ से अगर हो सके तो जो इतिहास सब्जेक्ट है, खास करके टीजीटी, पीजीटी, नेट है, जेआरएफ है, या रीट वाला जो मामला होता है राजस्थान में, इससे संबंधित भी कुछ क्लासेस होती रहेंगी तो हमारे लिए उपयोगी होगी।
तो मेरे दिमाग में ये बात भी है, तो आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्लासेस यूट्यूब पर मिलेंगी। और यूट्यूब पे खास बात ये है कि जैसे कोई क्लास आपको हमारी तरफ से मिल रही है तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि पूरी मेहनत के साथ में मैं उसमें पढ़ाता हूँ। अपना चैनल है, और ज्यादा मेहनत किया जाएगा, और ज्यादा आप लोग कहेंगे तो आपसे ज्यादा भी मेहनत करेंगे। और इस पे लगभग जो भी उपयोगी क्लासेस होगी वो आप लोगों के बीच में नियमित रूप से आएगी। आज जो क्लास है वो बीबीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है। बीबीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो इतिहास का खंड है, इतिहास में काफी सारे प्रश्न आप लोगों के बीच में आधुनिक भारत से आए हुए हैं। आधुनिक भारत के अलावा मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से आए हैं। तो कई बार ये होता है कि इकट्ठे या एक जगह पे हमें बीपीएससी के जितने भी प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे गए हैं एक ही क्लास के माध्यम से वो कवर हो जाए तो सबसे ज्यादा अच्छा है। अब देखो, हमने जो देखा बीपीएससी में अभी तक, खास करके 15-20 वर्षों का जो प्रश्न रहा है उसको हमने यहाँ पे संकलित किया है, इकट्ठा किया है। और इसमें ये है कि करीब करीब 500 प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा खास करके हमने ये देखा कि 2018 के बाद 18 या 17, 19, 20, 21 इस समय में जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का ट्रेंड है ना, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। सबसे एक बड़ी बात ये है कि इसने एक पांचवा विकल्प प्रारंभिक परीक्षा में शामिल किया है, निम्नलिखित में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये वाला जो विकल्प है ये काफी उलझने पैदा कर रहा है। मैंने ये देखा है कि जो हमारे समय काल के भी छात्र हैं, गहराई से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पर उनका चयन हुआ है, किसी पद पर वो विद्यमान है, उनके लिए भी ये एक तरीके से काफी कठिन रहा है कि इसका आखिर उत्तर कैसे निकाला जाए। इसको तो इसका उत्तर निकालने का मतलब ये है कि फिर सारी चीजें आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में पता होना चाहिए। बिना क्लैरिटी के साथ में पता हुए आप इसका उत्तर नहीं निकाल सकते। और इसीलिए पिछले वर्षों में जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट भी है वो भी थोड़ा सा कम गई है, क्योंकि प्रश्न लोग कम कर पा रहे हैं। तो इसमें समय समय पर मैं अपने प्रश्नों के माध्यम से, पहले तो कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत पहले पूछे गए हैं, वो थोड़ा सा आसान प्रकृति के होंगे, लेकिन उनके भी एक्सप्लेनेशन को अगर हम लोग समझ लेंगे ना तो हम बीपीएससी तो क्या, यूपीएससी के प्रश्नों को भी हमारी क्लास में आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक्सप्लेन किसी भी प्रश्न का जो होता है ना, वही उसका बेस होता है, वही उसका आधार होता है। थोड़ा सा जरूरत है कि आप सभी लोग कंसेस रहेंगे तो मामला बहुत ज्यादा सही होगा। तो थोड़ा सा आप सभी लोगों को कंसेस रहना है तो सारी चीजें और ज्यादा स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग, चलिए कुछ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा और थोड़ा सा हम लोग तेजी से प्रश्नों को करते हैं। तो जल्दी से क्लास को भाई शेयर कीजिएगा। आप सभी लोग टीवी दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे मिस्टर रोहित दिखाई पड़ रहे हैं, और कौन है, मिस्टर संगम आप भी हैं, मिस्टर एसपी राठौर साहब हैं, सौरभ हैं। चूंकि पहली क्लास है तो बहुत सारे लोगों को अभी पता भी नहीं है, और बिल्कुल नया चैनल है, पहली क्लास है तो उतना ज्यादा अपडेट भी नहीं है। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ही अभी अपडेट होगा। तो अभी शुरुआत में थोड़ा सा आप सभी लोगों को ही इसमें ताकत लगाना पड़ेगा। मैं पूरी तरीके से आपको ईमानदारी से मेहनत करूंगा और पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग भी तैयार हो जाइए, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ प्रश्नों को, आधुनिक भारत के प्रश्नों को देखते हैं। ये आपकी मतलब किसी भी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है, ऐसा मत समझिएगा कि केवल ये बीपीएससी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ प्रश्न हैं, आप सभी लोग उनका उत्तर दीजिएगा। निडर होके बिल्कुल उत्तर देना है, ईमानदारी से उत्तर देना है। किसी का कोई ऐसा नहीं है कि कोई उत्तर दे रहा है तो उसका पीछा करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, अपना निजी उत्तर देना है, स्वयं अपने आप को आंकना है। क्योंकि यह एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपने जो पढ़ा है वही आपके काम आने वाला है। इसमें कोई ऐसा बहाना नहीं करना है कि हम किसी का उत्तर कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से आपको पढ़ना है। ये आपका चैनल है, अपने घर का चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे आधुनिक भारत का जो इतिहास प्रारंभ होता है ना, आधुनिक भारत का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से प्रारंभ होता है। तो पहले बीपीएससी ने जो प्रारंभिक परीक्षा में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से प्रश्न पूछा उसको रखा गया,
उसके बाद में अन्य जो टॉपिक है वहां से जो भी प्रश्न आए हैं उसको भी रखा गया। तो इसीलिए आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए, एक प्रश्न है आपके सामने और जरा सोच के बताइएगा। इसमें वैसे पांचवा विकल्प नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले का प्रश्न है, ये बीपीएससी में बहुत पहले है, आप लोगों के बीच में पूछा गया है, 2001-2 का प्रश्न है, ये 2001-2 का प्रश्न है, बड़ा उपयोगी प्रश्न है। बताइए तो भाई इसमें क्या हो सकता है, उत्तर क्या हो सकता है। कोशिश कीजिए कि आप सभी लोगों का उत्तर सही हो और बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो। तो इसमें काफी लोगों ने उत्तर बताया और बता भी रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, इतिहास आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। और इसमें उत्तर क्या होगा, इसमें आपका उत्तर होगा सी विकल्प के रूप में। क्या उत्तर होगा इसमें, इसमें सी विकल्प के रूप में आपका उत्तर होगा। प्रश्न को थोड़ा भली भांति हम लोग देखते हैं, प्रश्न को देखने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, जब तक प्रश्न में क्लैरिटी नहीं होगी, समझ नहीं लेंगे, तब तक उत्तर में हो जाती है दिक्कत। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। पुर्तगाली उपनिवेश की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई, ये नहीं पूछा। अगर यहीं पे थोड़ा सा भी प्रश्न ये होता कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की शुरुआत किसने की, तो इसका उत्तर अलग हो जाता। और इसका उत्तर क्या हो जाता, इसका उत्तर हो जाता वास्को डिगामा, इसका उत्तर हो जाता वास्को डिगामा। लेकिन यहां पे पूछा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में पहला वायसराय कौन है। अब वायसराय की जगह पे यहां पे गवर्नर शब्द भी दे सकता है, भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कौन सा शब्द दे सकता है इसके स्थान पे, यहां पे गवर्नर शब्द भी दे सकता है। तो पहला जो गवर्नर है वो तो अल्मीडा है, और आप सभी लोग जानते हैं कि 1505 में इसका समयकाल शुरू होता है और 1509 में इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन यहीं पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो भारत है, भारत के इस मालाबार तट पे वर्ष 1498 ईस्वी में जो पहला पुर्तगाली यात्री भारत आया था, यहाँ पे कप्पकाडू बंदरगाह पे उतरा था, कोचीन में उतरा था, केरल में उतरा था, मालाबार तट पे आया था। तो जब ये यहाँ पे पहुंचा तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ का जो शासक था उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था, जमोरिन इसका नाम था, और जमोरिन ने बड़ा सपोर्ट किया, फूल माला लेके स्वागत किया। तो यहीं पे एक प्रसिद्ध इतिहासकार आपके सामने आते हैं और उनका नाम है क्या, राम लखन शुक्ला। ये क्या है, राम लखन शुक्ला साहब हैं, और ये आधुनिक भारत की पुस्तक भी लिखे हैं, आप लोग इनको पढ़ भी सकते हैं खास करके यूपीएससी के लिए, और इनकी पुस्तक का नाम है आधुनिक भारत का विमर्श। अब राम लखन शुक्ला साहब ने आधुनिक भारत की विमर्श नामक पुस्तक में ये कहा कि जब इस वास्को डिगामा का चरण यहां पे पड़ गया था मालाबार तट पे, तो इसी समय भारत में विदेशी उपनिवेश की शुरुआत हो गई थी। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, विदेशी उपनिवेश की शुरुआत हो गई थी। तो राम लखन शुक्ला साहब तो यहीं पे कह देते हैं, किस पे, ये जो पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत आता है 1498 ईस्वी में, तभी कह देते हैं। और एक कालीकट पहुंचता है, कहां पहुंचता है, कालीकट, और कालीकट का इस समय जो प्रसिद्ध शासक है वो हिंदू शासक है जमोरिन। और ये हिंदू शासक जमोरिन वास्को डिगामा का इसलिए भव्य स्वागत करता है क्योंकि वास्को डिगामा के पूर्व इसी तट पर विदेशी यात्री भी रहते हैं। और ये जो विदेशी यात्री है, ये विदेशी यात्री क्या करते हैं, विदेशी यात्री क्या, अरबी यात्री रहते हैं, और ये अरबी यात्री इस समय भारत में व्यापार करते हैं, और ये हिंदू शासक है इसलिए इनमें आपस में विरोध रहता है। तो जब एक दूसरा विदेशी यात्री भारत आया, वास्को डिगामा, तो इस समय जमोरिन को मौका मिल गया और जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। तो अल्मीडा पहला पुर्तगाली वायसराय, दूसरा पुर्तगाली वायसराय ये अल्बुकर्क है, और इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है भाई, इसका टाइम पीरियड आपके समय में 1500, एक फोन भी आ रहा है लोगों का, आवाज वावाज तो आ रही है ना, सब कुछ साउंड वगैरह तो ठीक ठाक आ रहा है ना, साउंड वगैरह में तो कोई कमी नहीं है, आवाज वगैरह तो ठीक है ना, हम्म,
क्यों? आवाज वगैरह आ रहा है बाबू लोग? रोहित, मिस्टर राठौर, अच्छा, वही फोन आता है तो आवाज वगैरह ऐसा कुछ, कभी ऐसा हो कि आवाज वगैरह ना आए तो आप लोग बता देना। ठीक, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जरा इसको देखिएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए और बताइए। हाँ, ये 2019 का प्रश्न है, ये बीपीएससी 2019 का प्रश्न है, तो इसमें ये उत्तर ई वाला उत्तर आपके सामने है, तो थोड़ा सचेत रहना है इसके उत्तर को बताने में, इसके उत्तर को बताने में थोड़ा सा सचेत रहना है। कोशिश कीजिए कि आप लोगों का उत्तर सही हो। चलिए बताइए भाई। शलोनी, मिस्टर निधि, निधि, मिस्टर संगम, अंशिका पंडित जी, राकेश, हेमांक, दीपक, बताइए भाई सभी लोग इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो क्या कहा जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुंगली का उपयोग कौन करता था? मैंने इसको अपनी क्लास में आप सभी लोगों को बार बार बताया है और ये 2019 में प्रश्न आया है, तो बीपीएससी के प्रश्नों को तो आप लोग लॉलीपॉप समझ रहे होंगे। क्या समझ रहे होंगे? लॉलीपॉप। तो इसी तरीके से वास्तव में जिसने इतिहास में हमारी क्लास की है वो इन सब प्रश्नों को करने में बड़ा निडर होता है, और मान लो जिसने क्लास नहीं की वो व्याख्या को समझ लेगा तो फिर वो और अच्छी बात उसके लिए हो जाएगी। देखो यहाँ पे हुंगली की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? हुंगली की बात की जा रही है, और आप सभी लोग जानते हैं कि हुंगली जो है वो बंगाल में स्थित था, स्थित है, और हुंगली नदी भी है, हुंगली क्षेत्र भी है। और माना जाए तो आधुनिक भारत में जब हम लोग आजाद हुए तो उसके काफी पूर्व तक ये जो बंगाल है इसी बंगाल के अंदर ही बिहार था, उड़ीसा भी था, बंगाल भी था, बंगाल के अधीन में बिहार भी था, उड़ीसा भी था, एक समय था कि असम भी था, जो अपना ये बांग्लादेश है आपका पड़ोसी देश, ये भी इसी का भाग था। हाँ, ये अलग बात है कि जो असम नामक क्षेत्र है वो बंगाल से 1874 ईस्वी में अलग हो गया था, 1874 में, और बंगाल विभाजन 1905 में होता है। तो यहां पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि समुद्री डकैती का अड्डा, पुर्तगालियों का समुद्री डकैती का अड्डा, ऐसा भी देखो हमने उत्तर ही आपको बता दिया, तो ये किसका है? ये आपका उत्तर हो गया सी विकल्प के रूप में। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि पुर्तगालियों ने जो ये समुद्री क्षेत्र में या हुंगली में या हुंगली क्षेत्र में अपना लूटपाट का अड्डा बनाया हुआ था, किडनैप का अड्डा बनाया हुआ था, अपहरण का अड्डा बनाया हुआ था, इस वजह से भी भारत में पुर्तगाली जो थे वो भारतीयों के हृदय में बस नहीं पाए, वो भारतीयों के मन में बस नहीं पाए। क्योंकि यहां पे ये लोग क्या करते थे कि जैसे कोई भारतीय राजकुमार है, क्या है, कोई भारतीय राजकुमार है, तो इस भारतीय राजकुमार का ये लोग किडनैप कर लेते थे। मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा शासक भी है, इस शासक का भी लोग किडनैप कर लेते थे ये पुर्तगाली, और लेकर जाते थे इस हुंगली के क्षेत्र में, और इसलिए भी किडनैप कर लेते थे क्योंकि ये ऐसा समय चल रहा है कि हिंद महासागर में पूरा का पूरा दबदबा किसका है? पूरा का पूरा दबदबा पुर्तगालियों का है, इनके सामने यहाँ पे कोई बड़ी शक्ति नहीं है। तो जब ब्रिटेन आया, जब इंग्लैंड आया, तो इंग्लैंड के सामने ये थोड़ा सा पिछड़ गए, और इनके पिछड़ने का अन्य कारण भी रहा। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग किसी को भी किडनैप करके इसी हुंगली नामक स्थान पर रखते थे, और रखने के बाद में भारतीय शासकों से या राजकुमारों से फिर फिरौती मांगते थे, और फिरौती की लेन देन की शर्तें जब तय हो जाती थी और मिल जाता था तब उसे छोड़ देते थे। तो यही प्रश्न पूछा गया कि बंगाल में हुंगली को लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था, इसीलिए पुर्तगाली भारत के मन में नहीं उतर पाए, भारतीय लोगों के दिलों में नहीं बस पाए, एक कारण ये भी है। तो आपका उत्तर क्या हुआ? सी विकल्प के रूप में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल अस्पष्ट है, इसीलिए उपर्युक्त में से नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है इस प्रश्न में। अब ये देखो, इस प्रश्न को हमने कई बार आपको पढ़ाया है, जरा गौर से देखिए, और ये बीपीएससी 1995 में ये प्रश्न आया हुआ है, बीपीएससी 1995 में प्रश्न आया हुआ है, गौर कीजिए, जरा बताइए भाई, गौर कीजिए और बताइए।
इसमें सेशन को लाइक भी करना है, चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को भी यूट्यूब चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। पढ़िए और बताइए, देखिए तो क्या उत्तर हो सकता है। देखिए तो भाई क्या उत्तर इसका हो सकता है। कई बार हमने आपको बताया हुआ है, तो इसमें भी बहुत क्लियर कट उत्तर है। और उत्तर क्या है? उत्तर आपका कैप्टन हॉकिंस होगा। उत्तर आपका क्या होगा? कैप्टन हॉकिंस होगा। और जहांगीर, जहां का मतलब जहां वर्ड, और गीर का मतलब विनर यानी विजेता होता है, और खान की उपाधि इसको देता है। तो मतलब आधी उपाधि आपसे पूछ लिया, आपके कमीशन ने क्या किया कि खान की आधी उपाधि पूछ लिया। वैसे एग्जैक्ट जो उपाधि देता है इसको, वो किसकी उपाधि देता है? वो फिरंगी खान की उपाधि देता है। फिरंगी खान ये पूरा शब्द है, और एक दूसरी उपाधि भी इसको देता है, और इसका नाम है इंग्लिश खान। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंग्लिश खान। ये दोनों उपाधि मिलती है किसको? जहांगीर के द्वारा इस कैप्टन हॉकिंस को मिलती है। और यही वो कैप्टन हॉकिंस है जो ईस्ट इंडिया का पहला प्रतिनिधि है। और ये भारत कब आता है? ये भारत 1608 में आता है। जब 1608 ईस्वी में भारत आता है, तो इस समय मुगल बादशाह जहांगीर बन जाता है, क्योंकि इसके पूर्व ही 1605 ईस्वी में जो अकबर नामक मुगल बादशाह है उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जहांगीर ही शासक है, लेकिन वो चला तो पहले से ही था। तो ये जो कैप्टन हॉकिंस आया, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो कैप्टन हॉकिंस है, ये ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का क्या है? जेम्स प्रथम का राजदूत है। ये इसलिए भी चर्चा में प्रश्न है क्योंकि इस समय ब्रिटेन की महारानी, आप लोग जानते हैं कि उनका देहांत हुआ है, तो कई सारी चीजें चर्चा में भी है। तो जेम्स प्रथम का ये राजदूत है, और जेम्स प्रथम अकबर को अकबर के नाम का पत्र देता है और कहता है इससे कैप्टन हॉकिंस के ले जाना, अकबर नामक सम्राट को दे देना। लेकिन अकबर की डेथ हो चुकी थी, तो वो जो पत्र अकबर के नाम का दिया था, वो दिया किसको? इस जहांगीर को दिया। और ये ब्रिटिश सम्राट है, और जहांगीर को दिया। जब जहांगीर से मुलाकात की तो बड़ा उपहार वगैरह लाया था, बड़ा गिफ्ट वगैरह लाया था। जहांगीर इससे क्या हो गया? इससे प्रसन्न हो गया, इंप्रेस हो गया। किससे? इस कैप्टन हॉकिंस से। और कैप्टन हॉकिंस जो भारत आया था, तो इसने हेक्टर नामक जहाज का प्रयोग किया था। इस हेक्टर नामक जहाज से आया था। और ये जो मुगल बादशाह जहांगीर है, कैप्टन हॉकिंस को ये उपाधि देता है, उपाधि देके सम्मान देता है। तो सम्मान सूचक एक तो उपाधि दी, और कुछ राजशाही वस्त्र भी प्रदान किए। और यही काम तो कैप्टन हॉकिंस ने भी किया था। और इसके अलावा 400 का मनसब भी दिया, ये भी ध्यान रखिएगा, 400 का मनसब भी दिया। और जहांगीर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया, तो कहा कि आप सूरत में क्या खोल सकते हो? अपना एक कारखाना खोल सकते हो। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला और बड़ा प्रतिनिधि है, जो ऐसा नहीं कि केवल सूरत का ही भ्रमण करता है, ये बिहार में पाटलिपुत्र का भी भ्रमण करता है, ये बड़ौदा का भी भ्रमण करता है, प्रयागराज भी जाता है, कई क्षेत्रों में जाता है। ये जो कैप्टन हॉकिंस है, ये कई क्षेत्रों में जाता है, और सभी क्षेत्रों में जाकर कहां पे व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना की जा सकती है, कौन सा अच्छा स्थान है, सबका व्यापक रूप से भ्रमण किया। और फिर सूरत में एक कोठी अंग्रेजों ने स्थापित कर ली थी, और ये पहली कोठी थी। तो इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि जहांगीर ने किसको प्रदान की थी? ये कैप्टन हॉकिंस को प्रदान की थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि है जो 1608 ईस्वी में भारत आता है। कब आता है? 1608 ईस्वी में भारत आता है। जरा अगला प्रश्न को देखिए आप सभी लोग। देखो ये प्रश्न ही आ गया आपके सामने, इसका उत्तर थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, इसका उत्तर थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा। बताइए तो भाई इसका उत्तर क्या होगा? जरा गौर से पढ़िए आप सभी लोग।
रंजनी सिंह, अंशिका, मिस्टर आनंद, टीबीए। टीबीए मतलब विशाल ना, ठीक है। फाइटर जी, उत्तर बताइए। बहुत पढ़ा इतिहास को, बहुत पढ़ा है वाकई इतिहास को। थोड़ा इसमें सोच समझ के आप लोगों को उत्तर बताना है। क्या करना है? थोड़ा सा सोच समझ के उत्तर बताना है। ये प्रश्न वाकई में अगर देखा जाए तो ये गलत है, जो प्रश्न है ना ये अपने आप में गलत है, लेकिन ऐसा प्रश्न आ जाए तो कई बार आप लोग सही उत्तर कैसे बता सकते हैं। प्रश्न में कहा गया कि वर्ष 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी। अब यहां पे पहली अस्थाई फैक्ट्री की अगर बात आ जाती तो क्या हो जाता, अस्थाई फैक्ट्री की बात आ जाती तो बिल्कुल ये क्या हो जाता, ये प्रश्न आपका सही हो जाता। और यहाँ पे उत्तर क्या सही हो जाता, उत्तर आपका डी विकल्प के रूप में सूरत सही हो जाता। तो सूरत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली कोठी थी, पहला कारखाना था, वो 1608 में ही स्थापित हो गया था एनसीईआरटी के अनुसार, और ये सत्य भी है। लेकिन वास्तव में इस सूरत नामक स्थान पर कोई कारखाना 1608 में स्थापित नहीं हुआ, ये तो केवल एक अध्यादेश जारी किया गया था। तो ये कारखाना कहां पर स्थापित हुआ, ये कारखाना अध्यादेशों में स्थापित हुआ, अध्यादेशों के अलावा इसका मतलब कागज पर ये कारखाना स्थापित हुआ, वास्तविक धरातल पर ये कारखाना स्थापित ही नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूरत में पहला कारखाना तो स्थापित हुआ लेकिन ये अस्थाई कारखाना था, परमानेंट कोई कारखाना नहीं था, और ये कारखाना कागजों पर स्थापित हुआ था। क्योंकि जैसे ही एक अध्यादेश के द्वारा सूरत में मुगल बादशाह जहांगीर ने कोठी स्थापित करने का आदेश जारी किया, तैसे ही उसके दरबार में पुर्तगाली पहुंच गए और पुर्तगालियों ने कहा कि देखो भाई, पूरे हिंद महासागर में हम शक्तिशाली शक्ति के रूप में विद्यमान है और इस समय भारत में है, अंग्रेज इतने प्रबल नहीं है, मान लो प्रबल भी है तो अभी वो इंग्लैंड में है, अभी तो उनका पहला दूत भारत में आया है, अगर कोई आपको नीड होगी हेल्प की तो सबसे पहले हम आपके सामने आएंगे, तो उसको भगाओ और उसको जो सूरत में कारखाना स्थापित करने का आदेश दिया उसको वापस ले लीजिए। तो जहांगीर इस समय एक दबाव में आया था और इस अध्यादेश को वापस ले लिया था। जब वापस ले लिया था तो केवल शाही अध्यादेश ही था, इसीलिए सरकार ने लिख दिया कि हाँ भाई सूरत में पहली कोठी स्थापित की गई। लेकिन ये अस्थाई अगर यहाँ पे लिखा होता तो बिल्कुल प्रश्न एकदम सही होता, तब भी ये क्या होगा, तब भी ये सूरत होगा, किसी भी स्थिति में सूरत ही होगा पहला कारखाना अगर होगा तो। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए जरा। इसका उत्तर क्या होगा बाबू लोग, पढ़िए गौर से और बताइए। सबसे पहले अंशिका ने उत्तर बताया है डी विकल्प के रूप में, और मेरी समझ से शायद गलत बताया। और कौन बता सकता है, गलत बताया या सही बताया? गलत बताया, आप लोग बताइए भाई। इसमें पांच उत्तर हैं, इसमें पांच उत्तर हैं, बताइए तेजी से बताइए। ये देखो हेतल सही उत्तर बता रही है, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ी है। निधि श्री उत्तर सही बता रही है, संगम बाबू सही उत्तर बता रहे हैं, सलोनी तो सही बताती ही है ना, चिंटी का तो सही है। अरे इसमें कुछ लोग क्लास में दिख नहीं रहे हैं भाई, कहाँ चले गए? कुछ प्रसिद्ध लोग क्लास में नहीं दिख रहे हैं, आप लोगों ने न्योता नहीं दिया क्या सभी लोगों को? सभी लोगों को न्योता नहीं दिया आप लोगों ने, बुलाया नहीं? कुछ बड़े बड़े लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें किस मुगल शासक के समय में, ये देखो सर थॉमस रो भारत आया था, तो सर थॉमस रो का समय जान लेते हैं, 1615 में ये भारत आया था, 1615 में ये भारत आया था, तो 1615 में कौन था मुगल बादशाह, 1615 में इस समय जहांगीर मुगल बादशाह था। और ये जो सर थॉमस रो भारत आया तो इसके पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में कई कारखाने लग गए, जैसे सूरत में अस्थाई कारखाना लग गया, मसूली पट्टम में अस्थाई कारखाना लग गया, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों के कारखाने से ही तो काम नहीं चलेगा ना,
तो जब 1615 में आया तो ये भी जहांगीर से मिला, और जहांगीर से इसने अजमेर में मुलाकात की थी। अजमेर आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में है, और मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की वहां पे दरगाह स्थित है, बड़ी पवित्र दरगाह है। तो यहां पे क्या होता है कि ये थॉमस रो भारत आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये भी प्रतिनिधि है और जेम्स प्रथम का राजदूत भी है। लेकिन इसके बारे में ऐसा माना गया कि आया, कई क्षेत्रों का भ्रमण किया, लेकिन काफी कोई बड़ी उपलब्धि इसके नाम पर नहीं गई थी, सर थॉमस रो के नाम पर नहीं गई थी। ये भी सूरत में ही उतरा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुनः भी आ सकता है आप सभी लोगों के एग्जाम में, ये पुनः भी आप लोगों के एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। बताइए भाई इसका क्या उत्तर होगा। मिस्टर सुबोध, इसका उत्तर क्या हो सकता है? पटना में अपनी कोठी कब स्थापित कर रही है डच कंपनी? तो इसमें अगर देखा जाए तो यहां पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, ठीक। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग कहां के निवासी थे? ये लोग नीदरलैंड के बासी व निवासी थे, या हॉलैंड के बासी या निवासी थे। ये भी भारत में आए, और भारत में ये अंग्रेजों से पूर्व ही आ गए और अंग्रेजों से पूर्व ही अपनी पहली कोठी स्थापित भी कर ली थी भारत में। लेकिन बात इसकी नहीं है, बात यह है कि पाटलिपुत्र यानी पटना, जिसको आप लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, कुसुमपुर के नाम से जानते हैं, पुष्प नगर के नाम से जानते हैं, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पे अपनी कोठी की स्थापना पटना में 1632 ईस्वी में की थी, ध्यान रखिए। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, और बीपीएससी भी जो इसका उत्तर देता रहा है वो 1632 उत्तर देता रहा है, ठीक। तो पटना यानी पाटलिपुत्र में जो कोठी स्थापित किया डचों ने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वह कब स्थापित किया? वह 1632 में बिल्कुल क्लियर कट स्थापित किया। तो आपका उत्तर बी विकल्प के रूप में हो गया। किसके रूप में हो गया? बी विकल्प के रूप में हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको देखिए। और थोड़ा कंसेप्चुअल, यूपीएससी टाइप का यह प्रश्न है, ध्यान रखना। है तो ये बीपीएससी का, लेकिन है यूपीएससी टाइप का प्रश्न, जरा सोचिए और बताइए। इसको जरा देखिए और बताइए तो भाई, क्या हो सकता है इसका उत्तर? गौर से देखिए आप सभी लोग। इमीडिएट रीजन पूछ रहा है, ध्यान रखना। इमीडिएट रीजन पूछ रहा है, तात्कालिक कारण पूछ रहा है ना, कारण नहीं पूछ रहा है, तात्कालिक कारण पूछ रहा है, ठीक। तो निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? फर्स्ट कर्नाटक युद्ध आपके सामने है, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो पहला कर्नाटक युद्ध है वो 1746 में प्रारंभ होता है और 48 में ये समाप्त हो जाता है। तो 46 से 48 के बीच में पहला कर्नाटक युद्ध होता है। अब जब पहला कर्नाटक युद्ध होता है तो ये कर्नाटक युद्ध मुख्यतया कहां पर हुआ? मुख्यतया इसी कर्नाटक में हुआ, इसीलिए इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। अब ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है, मालाबार तट का क्षेत्र है, यहाँ पे दो विदेशी शक्तियां भी हैं, एक अंग्रेजी शक्ति है, दूसरी फ्रांसीसी शक्ति है।
तीसरी यहाँ पूर्वी तट पे आप लोग जाएंगे तो हैदराबाद आपको मिलेगा, उत्तर में यहाँ पे मराठे आपको मिलेंगे, और यहाँ पे कर्नाटक का नवाब स्वयं शासन कर रहा है, और उसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे मैसूर आ जाएगा, और मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान शासक के रूप में स्थापित हो गए। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ उसके बारे में कहा जाता है कि जैसे यूरोप है, और यूरोप में आप सभी लोग जानते हैं कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था। किसके? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था। तो ये जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था इसमें सामने कौन कौन था? इसमें अंग्रेज यानी इंग्लैंड सामने था, और दूसरी तरफ इसमें फ्रांसीसी भी आमने सामने थे। तो भारत में भी ये दोनों विदेशी भारत में भी मौजूद हैं, एक अंग्रेज भी मौजूद है और फ्रांसीसी भी भारत में मौजूद है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो मेन कारण है वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध है। जब यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध शामिल हुआ तो वहां पे दोनों पक्षों ने दोनों का पक्ष ले लिया। और भारत में क्या हुआ? भारत में एक अंग्रेज कैप्टन है, उसका नाम है बार्नेट। क्या नाम है? अंग्रेज कैप्टन है, उसका नाम है बार्नेट। ये जो बार्नेट है ना, बार्नेट क्या कर देता है? बार्नेट आक्रमण कर देता है फ्रांसीसी जलपोतों के ऊपर, और फ्रांसीसी जलपोतों के ऊपर जब आक्रमण कर देता है तो उनको पराजित करके उनको कैद कर लेता है जलपोतों को, और जलपोतों को कैद करके इस समय सबसे बड़ी स्थिति ये हो जाती है कि अब फ्रांसीसी नाराज हो जाते हैं। किससे नाराज हो जाते हैं? अंग्रेजों से। तो यही यहां पे मुख्य कारण आपके सामने क्या है? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। भारत में ही फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने, और अंग्रेज कैप्टन बार्नेट ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? बार्नेट ने कब्जा कर लिया। तब फ्रांसीसी भी भड़क गए, अरे देखो भाई हमारे जहाजों के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये क्या हुआ? ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण है। और कालांतर में आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 1748 ईस्वी में एला सापेल की संधि ऑस्ट्रिया में हुई, इसके द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तो भारत में ये जो पहला कर्नाटक युद्ध चल रहा है ये भी समाप्त हो गया। इस एला सापेल की संधि द्वारा आप लोग जानते हैं कि भारत में ये जो मद्रास आपको दिखाई पड़ रहा है आधुनिक चेन्नई के रूप में, ये अंग्रेजों को मिल गया, क्योंकि फ्रांसीसियों ने इस पर कब्जा कर लिया था। और दूसरे अमेरिका में एक स्थान है जिसका नाम है लुईबर्ग, लुईबर्ग फ्रांसीसियों को मिल गया। ठीक, इसको समझते रहेगा। तो उत्तर क्या सही हुआ? उत्तर आपका डी विकल्प के रूप में सही हो गया, आप लोग सही बता भी रहे थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए जरा। दो हजार बीस का ये प्रश्न है, कोई बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है ये। पढ़िए पढ़िए, क्या हो सकता है इसका उत्तर? अभी बताते हैं, इसमें ई ऑप्शन है। ई ऑप्शन का मतलब वो क्लियर कट आपसे ये कह रहा है कि आपको इतिहास का ज्ञान अच्छा खासा होना चाहिए, तभी काम चलेगा। अब इसमें जैसे आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, वर्ष 1760 के समय में बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? अब देखो, जैसे मान लो अंग्रेजों ने स्पेन के विरुद्ध लड़ा या फ्रांसीसी के विरुद्ध लड़ा है ना, या डचों के विरुद्ध लड़ा, या एक तरफ इंग्लैंड था दूसरी तरफ कई शक्तियां थी, तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा, ई विकल्प वाला, क्योंकि इसमें कह रहा है एक से अधिक। लेकिन अगर क्लियर कट कोई एक शक्ति होगी तो इसका मतलब उत्तर कुछ और होगा। तो उत्तर इसमें क्या होगा? उत्तर इसमें ए विकल्प के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? ए विकल्प के रूप में होगा।
क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट आपसे कह रहा है कि ये जो बांडीवास का युद्ध है ये थोड़ा सा क्या है, बांडीवास का युद्ध ये बिल्कुल अलग प्रकार का युद्ध है, एक निर्णायक युद्ध है। 1760 में यह युद्ध होता है, ये तृतीय कर्नाटक युद्ध का विस्तार है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का विस्तार है और भारत में जो तृतीय कर्नाटक, इसको यहीं पर लिख लीजिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो प्रारंभ होता है वो 1756 में प्रारंभ होता है और 1763 तक चलता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यूरोप में हो रहे सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार है। भारत में यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार है, ध्यान रखना आप सब लोग, सप्तवर्षीय युद्ध का ये विस्तार है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ये क्या है, ये यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार है और ये इस युद्ध के बीच में भारत में जो अंग्रेजी शक्ति है और भारत में जो फ्रांसीसी शक्ति है उसमें कई युद्ध होता है, लेकिन भारत में फ्रांसीसी शक्ति और अंग्रेजी की शक्ति के बीच में जो निर्णायक युद्ध होता है वो बांडीवास में होता है। और बांडीवास में दो शक्तियां हैं, एक तरफ कौन है, एक तरफ अंग्रेज हैं और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ फ्रांसीसी हैं। और ये जो फ्रांसीसी हैं इस तरफ से कौन है और इस तरफ से कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो फ्रांसीसी शक्ति में यहाँ पे जो विद्यमान है उसका नाम क्या है, उसका नाम है काउंट द लाली विद्यमान है, काउंट द लाली इसमें विद्यमान है। और इस काउंट द लाली ने ही तो इसमें ये पराजित हो गया था, जो काउंट द लाली है यही तो इसमें क्या हो गया था, यही तो इसमें पराजित हो गया था भाई, यही तो इसमें पराजित हो गया था, काउंट द लाली, काउंट द लाली ही तो इस युद्ध में क्या हो गया था, पराजित हो गया था। और इधर अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजी जो सेना नायक था उसका नाम था आयरकूट, इसको भी ध्यान रखिएगा, आयरकूट, और आयरकूट इसमें विजयी हो गया था। ये फ्रांसीसियों का अंतिम भारत में गवर्नर है काउंट द लाली, और ये आयरकूट है जो बांडीवास के युद्ध में विजय दिला रहा है, और अभी ये हैदर अली और टीपू सुल्तान से पराजित भी हो जाएगा, सब छोड़ छाड़ के हथियार वगैरह भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पे विजयी हो रहा है। तो सीधी बात है यहाँ पे कि बांडीवास युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों से, इसमें बांडीवास में सीधे फ्रांसीसी आमने सामने, और कोई सत्ता नहीं है, कर्नाटक नहीं है, सीधे सीधे फ्रांसीसी आमने सामने, फ्रांसीसियों को भारत से पराजित कर दिया, भारत से भगा दिया, फ्रांसीसियों के ऊपर कई तरीके का उपबंध लगा दिया, कहा कि फ्रांस के जो भारत में कारखाने हैं अब उन कारखानों की चहरदीवारी नहीं की जा सकती, घेराबंदी नहीं की जा सकती, उन कारखानों को दुर्गों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वहां पर सेना नहीं रखी जा सकती, अब फ्रांसीसी भारत में अपना उपनिवेश नहीं स्थापित करेंगे, भारत के किसी भी राजा महाराजा के राजनीतिक मामले में नहीं भागीदारी करेंगे, और फ्रांसीसी केवल और केवल साधारण रूप से भारत में व्यापारी की भांति रह सकते हैं, यही हो रहा है। और ये कब होगा, ये सारा मामला होगा बांडीवास की युद्ध के पश्चात, जब पेरिस की संधि होती है 1763 में, उसी के द्वारा, तो उसके द्वारा कई प्रतिबंध लगा दिया, और फ्रांसीसी कंपनी का ये अंतिम मामला है। अब फ्रांसीसी कंपनी भारत से लुप्तप्राय हो गई और भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो गई, जितनी भी लगभग विदेशी कंपनी वो सब पराजित हो जाती है और अंग्रेज धीरे धीरे अब भारत में आगे बढ़ने लगते हैं। चूंकि 1760 के ये समय चल रहा है, इसके पहले अंग्रेजों ने बंगाल में प्लासी को जीत लिया, अभी थोड़ी देर बाद में बक्सर को जीत लेंगे, हालांकि बाद में मैसूर में हैदर अली से थोड़ा बहुत पराजित होंगे, लेकिन 1799 ईस्वी में मैसूर को भी जीत लेंगे, 1803 ईस्वी में मराठों को जीत लेंगे, मुगल सम्राट के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे 1803 ईस्वी में, सिखों को भी विजयी कर ही लिया है। तो अब कोई शक्ति अंग्रेजों का भारत में सामना करने के लिए है नहीं, वो आगे बढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की नीतियों का विकास करेंगे वो भारत में। तो इसमें उत्तर क्या हुआ, एग्जैक्ट आपका फ्रांसीसी उत्तर सही हुआ, ये देखो गुजरातियों के लिए ये उत्तर बड़ा आसान होगा, ये प्रश्न आसान होगा, एक आध दो लोग गुजरात से हैं भी, तो बताइए भाई,
बताइए। क्या हो सकता है इसका उत्तर? ध्यान से देखिए और बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर। अरे मांडवी शुक्ला, तुम भी आ गए इतना लेट। अंकित, क्या होगा भाई इसका उत्तर? तो स्वाली में स्वाली के स्थान पर हराया था, अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था स्वाली के स्थान पर। स्वाली के स्थान पर किसने पराजित किया था? बीपीएससी 2000 ईस्वी का प्रश्न है ये। किस अंग्रेज अधिकारी ने, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था स्वाली के स्थान पर? स्वाली का एक युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? स्वाली का एक युद्ध हुआ था। तो ये स्वाली का युद्ध ही करा देते हैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में। स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध आप लोगों के सामने है। 1611 में हुआ था, 1611 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। इसमें 1611 में यह युद्ध जो हुआ था, एक तरफ कौन थे? एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ भारत में पहले से ही पुर्तगाली मौजूद थे, तो पुर्तगालियों से ही युद्ध होगा। और ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है, अभी थोड़े दिन पहले अस्थाई कारखाना सूरत में अपना स्थापित की है, अब ये कुछ अच्छा करना चाहती है। और अच्छा तभी करेगी जब पुर्तगालियों का जो हिंद महासागर पर दबदबा है उसको कमजोर करेगी। तो इस समय 1611 में भारत में एक अंग्रेज सेनापति आता जिसका नाम है कैप्टन मिडलटन। और कैप्टन मिडलटन, ये जो स्वाली है, स्वाली आपका क्या है? स्वाली ये सूरत का एरिया है, स्वाली एक गांव है, सूरत का एरिया है, स्वाली एक गांव है। सूरत में भी समुद्र आता है, थोड़ा दूर ही रहता है लेकिन आता है वहां पे समुद्र, हमने देखा भी है। तो ये अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन मिडलटन ने किसको भेजा था? कैप्टन मिडलटन ने इस थॉमस बेस्ट को भेजा था। और थॉमस बेस्ट ने क्या किया? पुर्तगाली जहाजों को पराजित कर दिया। और पुर्तगाली, सुनिए जरा, पुर्तगाली जहाजों को पराजित कर दिया और पराजित करके छीन लिया जहाजों को, और छीन के किसको दे दिया? जहांगीर को दे दिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था तो कहा था कि हम समुद्र में काफी मजबूत हैं। तो पुर्तगाली तुरंत, जैसे कैप्टन हॉकिंस गया तैसे पुर्तगाली जहांगीर के दरबार में पहुंच गए और पुर्तगालियों ने कहा कि पूरे समुद्र में हमारा दबदबा है, आप चिंता मत कीजिए। तो अंग्रेजों को अब ये दिखाना था, उनके लिए ये चैलेंज था कि नहीं, पुर्तगालियों का तो दबदबा है लेकिन हम भी कम नहीं है। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया? थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजों के ऊपर ही कब्जा कर लिया और जहाजों को जीत के दे दिया किसको? बादशाह, मुगल बादशाह जहांगीर को। अब जहांगीर क्या करेगा? अब तो वो इंप्रेस होगा ही कि अरे पुर्तगाली तो वास्तव में ठीक ठाक इनकी स्थिति थी, लेकिन अब इनके जहाजों को ही जीत के स्वयं हमको ही सौंप रहे हैं कौन? अंग्रेज। तो जब जीते नहीं होते तो सौंपते कैसे? तो अंग्रेजों को इंप्रेस करने का काम, अंग्रेज इंप्रेस करने का काम कर रहे हैं किसको? बादशाह जहांगीर को। चूंकि जहांगीर कई आदेश देगा और जहांगीर इस समय प्रसन्न भी हो गया। और आप लोग जानते हैं कि सूरत के अलावा जो दूसरी अंग्रेजों की कोठी बनी वो मसूलीपट्टनम में बन गई, ये मछलीपट्टनम में बन गई। ठीक, तो इसका उत्तर होगा थॉमस बेस्ट। इसको देखिए जरा,
इसको बताइए भाई अभिजीत, गौर से पढ़िए देखिए तो क्या होगा इसका उत्तर। क्या हो सकता है इसका उत्तर, ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो बिहार पीसीएस आप लोग पढ़ रहे हैं और बिहार ही इसमें क्या होगा उत्तर होगा, सीधी सी बात है। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र था जो अफीम के उत्पादन में अत्यंत प्रसिद्ध था। ये अफीम कैसी फसल है, तो अफीम के बारे में आप लोग जान लीजिए कि अफीम एक नकदी फसल है। एक कैसी फसल है, एक नकदी फसल है और एक वाणिज्यिक फसल है। कैसी फसल है, एक वाणिज्यिक फसल है, आप सभी लोग इस बात को जानते भी हैं। और अंग्रेजों ने भारत में अफीम की खेती को बढ़ावा दिया, चाय की खेती को बढ़ावा दिया, नील की खेती को बढ़ावा दिया। इससे उनको तुरंत क्या मिल जाता था, पैसा मिल जाता था, रुपया मिल जाता था। और अंग्रेजों के क्षेत्र में या पूरे यूरोप में वाणिज्यवादी नीति बड़ी प्रसिद्ध है। उस वाणिज्यवादी नीति का एक मूल सिद्धांत ये है कि वाणिज्यवादी नीति के तहत जितने भी यूरोपीय लोग हैं या यूरोपीय देश हैं, सब बुलियन कमाना चाहते हैं। क्या कमाना चाहते हैं, बुलियन कमाना चाहते हैं। बुलियन ही इस समय सबसे आगे जा रहा है, यही सबसे प्रसिद्ध बात है इस समय। बुलियन का मतलब सोना चांदी कमाना चाहते हैं। तो वाणिज्यवादी नीति की सबसे बड़ी प्रसिद्धि यही है कि बुलियन कमाना चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने या पूरे यूरोप में विभिन्न प्रकार की व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई और सभी कंपनियां व्यापार करना चाहती हैं, व्यापार के द्वारा सोना चांदी कमाना चाहती हैं। तो सोना चांदी है कहाँ, भारत में है। तो भारत की सोना चांदी को पाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में वाणिज्यवादी नीति को लागू किया। और इसके द्वारा आप लोग जानते हैं, देखो अफीम की खेती की, खास करके बिहार में की, बिहार में अफीम की खेती की और बेचा किसको, बेचा चाइना को। सब चाइना वाले लोगों को अफीम खिला के अंग्रेजों ने मस्त किए रखा, इन्होंने अच्छा किया अंग्रेजों ने, भारत में अफीम की खेती की और सब चाइना वालों को ही निर्यात करते थे, उन्हीं को देते थे और खूब अच्छा पैसा कमाते थे। चाय, चाय की जहां तक बात है, चाय भारत में आप देखोगे नीलगिरी की पहाड़ियों पर, असम में, बंगाल में और अन्य क्षेत्रों में चाय की खेती को अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया। यहां से चाय खरीदते थे, इंग्लैंड ले जाते थे। अब जिसको चाय लेना हो वो इंग्लैंड से ले, तो इस पे दोहरा शुल्क लगा देते थे। जैसे अमेरिका अगर चाय खरीद रहा है तो भारत में स्थित किसी व्यापारिक कंपनी से नहीं खरीद सकता, वो इंग्लैंड से चाय खरीदेगा। और भारत की चाय इंग्लैंड जा रही है, वहां पे शुल्क लगा और उसके बाद में अमेरिका जा रही है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर भारत में कोई चाय 1 रुपए की मिल रही है तो वो अमेरिका में 10 रुपए की बिकेगी। वही चाय अंग्रेज अमेरिका में 10 रुपए से ज्यादा में भी, मतलब 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता था। जरा सोचिए आप सभी लोग, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर बिहार होगा। बिहार में अफीम की खेती को अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया था, अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसको देखिए। इसका उत्तर क्या होगा भाई, इसका उत्तर आप लोगों के बीच में होगा मुर्शिदाबाद का उपदीवान की बात हो रही है ना, कहां की बात हो रही है, मुर्शिदाबाद के उपदीवान की बात हो रही है। जरा गौर से पढ़िएगा, जरा गौर से पढ़िएगा आप सभी लोग। अभी कुछ लोग इसमें सही बता रहे हैं तो कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, इसीलिए टाइम दे रहा हूं, पढ़िए और बताइए।
ओके, अब सही जगह पे आप लोग आ चुके हैं, अब सही जगह पे आ चुके हैं। उत्तर क्या होगा फाइटर बाबू? उत्तर होगा भैया ए विकल्प के रूप में। किसके रूप में होगा? ए विकल्प के रूप में। इलाहाबाद की संधि की बात हो रही है, ठीक। इलाहाबाद की संधि आप सभी लोग समझिए कि ये 16 अगस्त वाली संधि है, ये 16 अगस्त 1765 की दूसरी संधि है। इस संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसको बनाया था? तो ये उपदीवान का पद किसके अधीन लाया? उपदीवान का पद रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन के द्वारा लाया। तो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, किसकी शुरुआत होती है? द्वैध शासन की शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करता है। कब करता है? 1765 में इसकी शुरुआत करता है। और यही द्वैध शासन चलता कब तक है? 1772 तक चलता है। 1772 में इसे वारन हेस्टिंग्स समाप्त कर देता है, इसे वारन हेस्टिंग्स समाप्त कर देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो शुरू किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब शुरू किया? 1765 में। समाप्त किसने किया? वारन हेस्टिंग्स ने। कब समाप्त किया? 1772 ईस्वी में। और इस द्वैध शासन के द्वारा भारत में अगर देखोगे तो तीन मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो आप समझ लीजिए कि बंगाल है, और इस बंगाल का ही मुख्य क्षेत्र कौन है? मुर्शिदाबाद, क्योंकि बंगाल की ही तो राजधानी है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्या है? बंगाल की ही राजधानी है। बंगाल की ही क्या है? राजधानी है। जैसे आप लोग जानते हैं पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी, लेकिन ढाका से बंगाल की राजधानी को ट्रांसफर किया और मुर्शिदाबाद में बनाया मुर्शिद कुली खान ने। कालांतर में मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके मुंगेर में बनाया, और मुंगेर वर्तमान बिहार का एक जिला है, बंगाल का नहीं। अवैध असलहों का केंद्र भी है ना, मुंगेर की बात आती है। तो ये बंगाल किसको दे दिया? ये बंगाल का उपदीवान किसने? मोहम्मद रजा खान को बना दिया। किसको बना दिया? मोहम्मद रजा खान को बना दिया। तो इस बंगाल में देखो ऐसा नहीं है केवल बंगाल ही शामिल है, देखो बिहार भी इसमें शामिल है, उड़ीसा भी शामिल है। और दीवान की बात नहीं हो रही है, मुख्य दीवान तो कंपनी स्वयं है, रॉबर्ट क्लाइव स्वयं है। तो इन क्षेत्रों में उप दीवान बना रहा है। तो इस मुर्शिदाबाद में, ये बंगाल में उप दीवान किसको बनाया भारतीय शासकों में? ये मोहम्मद रजा खान को बनाया। इसके अलावा बिहार भी तो है, तो बिहार का उप दीवान किसको बनाया भाई? बिहार का उपदीवान अगर देखा जाए तो राजा सिताब राय को बनाया गया। राजा सिताब राय को बिहार का क्या बनाया गया? राजा सिताब राय को बिहार का उपदीवान बनाया गया, बिहार का उपदीवान बनाया गया। और ओडिशा का उपदीवान किसको बनाया गया? ओडिशा का उपदीवान राय दुर्लभ को बनाया गया। बड़ा अंग्रेजों ने आपका सपोर्ट किया था, ये अंग्रेजों का बड़ा सपोर्ट किया था, ये सपोर्टर था, एक धनी सेनापति भी है, दीवान भी है, व्यापारी भी है राय दुर्लभ। तो ओडिशा का किसको बनाया गया? राय दुर्लभ को। बिहार का किसको बनाया गया? राजा सिताब राय को। ये सब अंग्रेजों के किसलगु हैं। बंगाल में किसको बनाया गया? बंगाल में मोहम्मद रजा खान को बनाया गया। तो उत्तर किसका पूछा है भाई? मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद का मतलब बंगाल। तो मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान ए विकल्प के रूप में आपका उत्तर सही हुआ, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए। क्या होगा भाई इसका उत्तर, जरा सोचिए आप सभी लोग। क्या हो सकता है इसका उत्तर? शंकर कुमार बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें सम्राट शाह आलम द्वितीय की बात हो रही है, मुगल बादशाह है ये। कंपनी को बंगाल का और बिहार का और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी इसने। और यह दीवानी कब प्रदान की, ये आप सभी लोग समझिए कि इसको क्या लिखा जाए। इसको प्रयागराज की संधि के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज की प्रथम संधि के नाम से जाना जाता है।
और यह प्रयागराज की जो पहली संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। और इसमें कौन था, इसमें एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव था, एक तरफ कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, और दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ अगर देखा जाए इसमें तो दूसरी तरफ इसमें भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। कौन था, शाह आलम द्वितीय था। और यह शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ में बक्सर के युद्ध 1764 में पराजित हो गया। तो मीर कासिम तो भाग गया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कैद कर लिया। और शाह आलम द्वितीय के अलावा इस समय जो अवध का नवाब है सुजाउद्दौला उसको भी कैद कर लिया, और कैद करके इलाहाबाद में बंद किया हुआ था। और जब रॉबर्ट क्लाइव आया तो 12 अगस्त 1765 को प्रयागराज या इलाहाबाद की पहली संधि हुई, और संधि की इस शर्तों के अनुसार ये जो मुगल बादशाह है ये अंग्रेजों के अधीन अब प्रयागराज में रहेगा, और प्रयागराज में इसको राज करने के लिए कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र अवध के नवाब सुजाउद्दौला से निकाल कर दे दिया गया कि आप यहीं पर राज करो। और इसने अंग्रेजों को काफी नकदी भी प्रदान किया था, और बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी इसी 1765 12 अगस्त की संधि के माध्यम से। और दीवानी का मतलब क्या है, दीवानी का मतलब यह है कि अंग्रेजों को भू राजस्व वसूलने का क्या मिल गया, भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। इसी संधि के माध्यम से अंग्रेजों को भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। तो ये 12 अगस्त की संधि है, और दूसरी जो है वो 16 अगस्त की संधि है। तो दो संधियां होती है, वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ में होती है। तो इसमें उत्तर क्या हुआ बाबू लोग, उत्तर हो गया पहला आपके सामने 12 अगस्त 1765। एक प्रश्न और आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान मग्न होकर इसकी पढ़ाई करना और इसका उत्तर मैं देखता हूं क्या होगा। ध्यान देकर इसका उत्तर आप सभी लोग बताइए। देखो इसमें क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। ये मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मतलब अंतिम मुगल बादशाह है, और इसके बारे में क्या कहा गया कि इसके साम्राज्य की क्या सीमा है, इसके साम्राज्य की क्या सीमा है, क्या चांदनी चौक से पालम तक, पालम भी दिल्ली में है और हवाई अड्डा है आप सभी लोग जानते हैं, क्या मतलब इसकी जो सीमा थी वो चांदनी चौक से पालम तक थी, या दिल्ली से बिहार में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पेशावर से बिहार बिल्कुल नहीं हो सकता, पेशावर से वाराणसी बिल्कुल नहीं हो सकता। थोड़ा सा संभावना इसी उत्तर के बारे में बनती है, लेकिन ये जो कहावत है ये मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकेंड के बारे में नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बहादुर शाह सेकंड ही है क्योंकि इसके नाम के बाद में बहादुर शाह जफर लगा हुआ है। तो जफर बहादुर शाह अंतिम मुगल बादशाह है, ध्यान रखिएगा ये बहादुर शाह प्रथम नहीं है। अगर बहादुर शाह प्रथम होता तो पहला विकल्प सही हो जाता, थोड़ा बहुत सही हो जाता, लेकिन बहादुर शाह द्वितीय है। तो बहादुर शाह द्वितीय वैसे वास्तव में अगर देखा जाए तो बीपीएससी ने इस प्रश्न को क्या किया, अपने अपने क्वेश्चन बैंक से डिलीट कर दिया था, लेकिन इसमें पहला उत्तर सही हो सकता है, इसमें क्या गलत है। तो किसी मुगल बादशाह के बारे में अगर कहावत प्रसिद्ध हो गई तो क्यों हो गई भाई, वो सीमा को तो पूछ रहा है, और दिल्ली में इस समय जो बहादुर शाह जफर है ये दिल्ली में चांदनी चौक में लाल किले में ही तो कैद है, लाल किले के बाहर इसका कोई भी साम्राज्य नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि जो गवर्नर जनरल डलहौजी है, डलहौजी ने तो यहां तक कह दिया कि लाल किले से भी बाहर निकल जाओ, तुम्हारा तो लाल किला भी नहीं है। और कालांतर में 1858 का जब भारत सरकार अधिनियम आया तो इसी मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने भारत से निष्कासित करके कहां भेज दिया, रंगून भेज दिया, म्यांमार बर्मा भेज दिया।
और वहीं पे इस मुगल बादशाह की 1862 ईस्वी में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जो सही हो सकता है वो ए विकल्प के रूप में उत्तर सही हो सकता है, लेकिन बिहार कमीशन ने इस प्रश्न को पूछा था और डिलीट कर दिया था। तो कई बार ये होता है कि देखो कमीशन तो बहुत जांच परख के प्रश्नों को बनाता है, बड़ी सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक आध गलतियां तो हो ही सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। तो यही समझिए कि हाँ गलती हो गई इस उत्तर को छापने में और इसको फिर बिहार कमीशन को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि कई सबूत ऐसे हैं, कई साक्ष्य ऐसे हैं जो किताबों में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वह किसके बारे में लिखा है, वो शाह आलम द्वितीय और अन्य मुगल बादशाहों के बारे में ये पहला विकल्प लिखा हुआ है, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चर्चित प्रश्न है आपके सामने और ये पूछा भी जा सकता है, अगर पेपर कंप्लीट नहीं बना होगा तो ये इस समय पूछा भी जा सकता है। वैसे पेपर बन गया होगा बीपीएससी का, पेपर कंप्लीट ही बन जाता है। इसको पढ़िए और बताइए। क्या होगा भाई कोमल, मिस्टर रोहित, हृदयेश कुमार काफी दिन के बाद दिखाई पड़ रहे हैं, आगरा वाले भैया, मांडवी शुक्ला एंड दिया, मिस्टर राठौर आप भी उत्तर बता रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश राठौर, काफी बुद्धिमान हो गए तुम तो। वसीम बिट्टू साहब, राकेश कुमार, मिस्टर अमित, क्या होगा इसमें उत्तर, इसमें क्या हो सकता है भाई उत्तर। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, रणजीत सिंह है सिख शासक हैं, आप सभी लोग जानते हैं, सुकर चकिया मिसल के नायक हैं ये रणजीत सिंह। तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो ये शाह सुजा से प्राप्त किया था। शाह सुजा अफगानिस्तान का शासक था, शाह सुजा क्या था, अफगानिस्तान का शासक था और इसी से प्राप्त किया। और कालांतर में आप सभी लोग जानते हैं कि जब रणजीत सिंह का देहांत हो गया तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी राजा दलीप सिंह के हाथ में यह कोहिनूर हीरा आ चुका था। किसके हाथ में आ चुका था, राजा दिलीप सिंह के हाथ में कोहिनूर हीरा आ चुका था। और आप सभी लोग जानते हैं कि डलहौजी ने राजा दिलीप सिंह, ये तो एक बालक हैं, बहुत बालक हैं, इनको पराजित कर दिया और सिख राज को अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया। जब अंग्रेजी राज का हिस्सा बना लिया तो ये दिलीप सिंह को क्या दे दिया, कुछ पेंशन दे दिया और कहा कि अभी तो आप पढ़ाई लिखाई करने लायक हो, आप चले जाओ इंग्लैंड, वहां पे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करो। तो राजा दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया और वहां पे ये शिक्षा दीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और इन्हीं से कोहिनूर हीरा ले लिया। और लेने के बाद में इसी कोहिनूर हीरे को इंग्लैंड भेज दिया गया और वहां पे जो ब्रिटिश महाराजा या ब्रिटिश महारानी होती हैं, उनका जो क्राउन होता है, उनका जो सिंहासन होता है, उसी में उसको लगा दिया गया और आज भी ब्रिटिश सरकार के पास में है। अब देखो क्या होता है, कब होता है, आप उसे वापस ले सकते हैं या क्या स्थिति बनती है। और ये कोहिनूर हीरा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये आपका है और भारत में ये गोलकुंडा की खान से निकला था। कहां से निकला था, गोलकुंडा की खान से ये कोहिनूर हीरा निकला था। तो ए विकल्प के रूप में आपका उत्तर यहाँ पे सही हुआ, ए विकल्प के रूप में यहाँ आपका उत्तर सही हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखिए। क्या होगा भाई इसका उत्तर, जरा ध्यान से पढ़िएगा।
श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ टीपू किसके साथ अंग्रेजों ने की थी किसके साथ अंग्रेजों ने की थी? अनिल प्रसाद जी, बिंदु निषाद आज आ गई हैं, ये रेगुलर क्लास होगी बिंदु। हेमांक, क्या हो सकता है इसका उत्तर? तो श्रीरंगपट्टम की संधि है ना, कौन सी संधि है? श्रीरंगपट्टम की संधि है, बड़ी शक्तिशाली संधि है ये, जो संधि है ये बड़ी शक्तिशाली संधि है। आप सभी लोग जानते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तृतीय आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर का मतलब मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में शुरू होता है और 1792 में समाप्त हो जाता है, 1792 में समाप्त हो जाता है। अब यह युद्ध और युद्ध के बाद में एक जो संधि हुई इसको श्रीरंगपट्टम संधि के नाम से जाना गया, श्रीरंगपट्टम संधि के नाम से जाना गया, और यह संधि 1792 में हुई थी। तो इसमें एक तरफ कौन है? एक तरफ तो अंग्रेज ही है, है ना, और दूसरी तरफ कौन है भाई? दूसरी तरफ दिखाई नहीं पड़ रहा कौन है, दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ मैसूर है। तो अब दिखाई पड़ने लगा होगा, दूसरी तरफ मैसूर है, और मैसूर में कौन है? मैसूर में इस समय टीपू सुल्तान है। और इधर अंग्रेजों का मुखिया कौन है? अंग्रेजों का मुखिया है लॉर्ड कार्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस अंग्रेजों का क्या है? मुखिया है, ठीक। अब लॉर्ड कार्नवालिस का साथ कौन दे रहा है? लॉर्ड कार्नवालिस का साथ इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भारतीय शक्तियां ही दे रही हैं। तो एक शक्ति तो ये हो गई इस युद्ध में अंग्रेज, अंग्रेज लॉर्ड कार्नवालिस के रूप में है, और दूसरी शक्ति इसमें मराठों के रूप में है, और तीसरी शक्ति इसमें कौन है? तीसरी शक्ति इसमें हैदराबाद का नवाब है। ये तीनों क्या है? ये अंग्रेजों के मित्र है, ये दोनों क्या है? अंग्रेजों के मित्र है। और कार्नवालिस तो बाहुबली सेनापति है ही, कार्नवालिस ने क्या किया? इन दोनों को अपनी तरफ मिला के ये टीपू को पहले ही कमजोर कर दिया था, युद्ध शुरू होने के पहले ही। और युद्ध शुरू हुआ तो टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टम, जो टीपू सुल्तान की राजधानी भी थी, वहीं पे घेर लिया। अब टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम के दुर्ग में जब चारों तरफ से घिर गया तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में यही संधि हो रही है, श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में। इस संधि के माध्यम से लॉर्ड कार्नवालिस को टीपू सुल्तान ने नकदी दी, और जब पूरी नकदी नहीं दे पाया, 3 करोड़ की रास थी उसमें 1.5 करोड़ ही दिया गया, जब नहीं दे पाया तो टीपू सुल्तान ने अपने 2 पुत्रों को इस कार्नवालिस के पास में बंधक के रूप में रखा था। लेकिन टीपू सुल्तान के लगभग 2/3 क्षेत्रों पर अब अंग्रेजों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो इस संधि के माध्यम से, श्रीरंगपट्टम की संधि के माध्यम से यहां पे ये जो लॉर्ड कार्नवालिस है इसको क्या मिलता है? सॉरी कहां गया सब मामला, ओहो ऐसे पेज जाएगा ऊपर तो फिर मामला गड़बड़ होगा। क्यों, कोई नहीं, वहीं पे समझा देते हैं इसको। लॉर्ड कार्नवालिस को क्या क्या मिला इसको देखिए। लॉर्ड कार्नवालिस को इस समय मालाबार जिला मिल गया, ये अत्यंत प्रसिद्ध जिला था, ये किसके पास था? टीपू सुल्तान के पास था। और कौन सा जिला मिल गया? बारामहल जिला मिल गया, यहीं पर वो रैयत बाड़ी व्यवस्था और महल बाड़ी व्यवस्था ये सब चल रही थी। बारामहल जिला मिल गया, और क्या मिल गया? और मालाबार हो गया, बारामहल हो गया, DDM डिंडीगुल, डिंडीगुल भी अंग्रेजों को मिल गया। डिंडीगुल ने ही तो आगे बढ़ाया था, डिंडीगुल ने ही तो क्या किया था? आगे बढ़ाया था। ये टीपू सुल्तान और हैदर अली के पिता ने यहीं पर क्या लगवाया था? यहीं पे बंदूक का, तोड़दार बंदूकों का इसी डिंडीगुल में कारखाना लगाया था। तो तीनों जो अत्यंत क्या थे? अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र थे, मालाबार, बारामहल, डिंडीगुल और 3 करोड़ रुपया, ये सब किसने ले लिया? ये सब लॉर्ड कार्नवालिस ने ले लिया। और ये जो मराठा हैं, मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र दे दिया,
तुंग भद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र दे दिया कि आप इसको ले लो, और इनको हैदराबाद वालों को क्या दे दिया, इनको पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र दे दिया, पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र इनको दे दिया। तो यहीं पर क्या हुआ कि थोड़ा सा कमजोर क्षेत्र मराठों को मिलता है और हैदराबाद के नवाब को भी कमजोर क्षेत्र ही मिलता है। तो ये कार्नवालिस कहता है कि हमने अपने मित्रों को अत्यधिक शक्तिशाली न बनाते हुए अपने दुश्मन मैसूर को फलदायी रूप से लंगड़ा कर दिया, इसी संधि के बारे में कहता है। तो ये श्रीरंगपट्टम की संधि है और श्रीरंगपट्टम टीपू सुल्तान की राजधानी है। कालांतर में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में, और 1799 ईस्वी में बेले जली क्या कर देता है, बेले जली टीपू सुल्तान का वध करवा देता है और उसके ऊपर सहायक संधि लाद देता है, और 1799 ईस्वी में मैसूर को बेले जली अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। तो इसमें अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ में की थी, तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि हैदर अली के साथ में नहीं की, डुप्ले नामक फ्रांसीसी के साथ नहीं की, नंदराज तो ये जानते हैं इसके साथ भी नहीं की, तो टीपू सुल्तान के साथ। सी विकल्प आपका सही हुआ था, क्या सही हुआ था, सी विकल्प आपका सही हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसको देखिए, ये नया ताजा प्रश्न है आपका, बीपीएससी का नया प्रश्न है आप लोगों के बीच में। बताइए भाई क्या होगा इसका उत्तर, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ठगों का नेतृत्व उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। तो इसमें उत्तर क्या सही हो रहा है, ठगों की बात हो रही है ना, जो लोगों को ठग लिया करते थे। इसमें हिंदू मुस्लिम या भारत में कई धर्म व संप्रदाय के लोग शामिल थे, ठीक, और ये क्या करते थे, ये भारतीयों को ही ठग लेते थे, विदेशियों को भी ठग लेते थे, और इनकी समाप्ति किसने की, बिल्कुल अस्पष्ट है, क्लियर है कि कैप्टन स्लीमन ने ठगों की समाप्ति की थी, लेकिन कैप्टन स्लीमन को लगाया किसने था, कैप्टन स्लीमन को लगाया था विलियम बेंटिंग ने, इस बात का ध्यान रखना, किसने लगाया था, विलियम बेंटिंग ने, कि जाइए और ठगों का दमन कीजिए, विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग भारत में आप सभी लोग जानते हैं कि कई प्रकार के सुधारों के लिए प्रसिद्ध है, कई प्रकार के सुधारों के लिए प्रसिद्ध है, और कर्नल स्लीमन ने क्या किया था, कालांतर में ठगी प्रथा का धीरे धीरे अंत कर दिया था। तो अंत करने का पक्ष किसके बारे में कहा जाता है, कर्नल स्लीमन के बारे में। लेकिन विलियम बेंटिंग इस समय क्या है, इस समय भारत का पहला गवर्नर जनरल है, तो इसी ने ये काम करवाया था, लेकिन यह विकल्प में है नहीं, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा कर्नल स्लीमन, उत्तर क्या होगा, उत्तर कर्नल स्लीमन होगा। इसको देखिए आप सभी लोग, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आप लोगों ने, अभी थोड़ी देर आप लोगों ने पहले पढ़ा था, इसमें कुछ नहीं है, हवाबाजी है प्रश्न में। विलियम बेंटिंग के अधीन ही कर्नल स्लीमन ने किया था, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसको देखिए 2020 का प्रश्न है, इसमें कोई दम तो मुझे नहीं लगता, हालांकि कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि बीपीएससी में प्रश्न ऐसे आते हैं कि पूछो मत, लेकिन अब आप लोग देखिए, आप लोग तो ये क्या द्वैध शासन की बात हो रही है, बंगाल में द्वैध शासन की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। कब लागू किया था, 1765 में लागू किया था। कब लागू किया था, पहला भारत में जो द्वैध शासन लागू होता है वो बंगाल में लागू होता है, और इस द्वैध शासन के द्वारा जो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया प्रयागराज की संधि के माध्यम से, इससे बंगाल में लूटपाट के एक युग की शुरुआत कर दी। तो इसी द्वैध शासन की चारों तरफ आलोचना की गई,
तो कालांतर में वारन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर बना और फिर गवर्नर जनरल बना, तो 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स को इस द्वैत शासन को समाप्त करना पड़ा था, क्योंकि कोई इसे डाकुओं का काल कहता है तो कोई चोरों का काल कहता है, इसीलिए इसको समाप्त करना पड़ा था। तो इसमें उत्तर क्या सही हो गया? इसमें उत्तर सी विकल्प के रूप में सही होगा। 2022 का ये प्रश्न है, 2022 का नहीं 2020 का ये प्रश्न है, इसको जरा देखिए। इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर क्या हो सकता है? पहली रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? ये तो आसान है, 2008 का प्रश्न है बीपीएससी का, बीपीएससी का 2008 का प्रश्न है, और इसमें डलहौजी के समय में ही पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। किसके समय में बिछाई गई थी? डलहौजी के समय में ही पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और आप सभी लोग जानते हैं कि डलहौजी के समय में 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, और ये कहां से कहां के बीच में? बंबई से ठाणे के बीच में बिछाई गई, बंबई से ठाणे के बीच में बिछाई गई। उसके बाद में आप सभी लोग जानते हैं 1854 में दूसरी रेलवे लाइन आ गई, और ये किसके बीच में बिछाई गई? ये कलकत्ता में ही पड़ोस में स्थित है रानीगंज, इसके बीच में बिछाई गई। और फिर आप सभी लोग जानते हैं अगली जो रेलवे लाइन बिछाई गई वो 1856 में बिछाई गई, यह किसके बीच में बिछाई गई? यह कराची से लाहौर के बीच में बिछाई गई, कराची से लाहौर के बीच में बिछाई गई थी। और इस रेलवे लाइन को बिछाने का ठेका किसको मिला हुआ था? एक कंपनी को मिला हुआ था, अगर कोई उसको बता देगा तो मैं समझ लूंगा कि वो बहुत बड़ा बहादुर है। कौन सी कंपनी है जो ये रेलवे लाइन को बिछा रही है और ब्रिटिश कंपनी है, बताइए, कोई बता सकता है? बताइए जरा, मैं देखता हूं। तो इसमें उत्तर क्या हुआ? ए विकल्प के रूप में हुआ। सुरुचि शामिल है क्लास में, स्वागत है आपका भी, क्लास को शेयर करना भाई आप सभी लोगों को, स्पाइडरमैन साहब ये काम आप ही कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी आपको ही मिली है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपका ही है, ये हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ये आपका है। ठीक, जहां भी जाइए आप सभी लोग प्रचार कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ वगैरह भी वहां पे आपको समय समय पर मिलता रहेगा। कल जो हमारी क्लास होगी वो रात में 9 बजे इसी चैनल पे होगी, इसमें हम लोग पाषाण काल को बहुत दिन हो गया नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों का रिविजन भी होगा, और सैंधव सभ्यता दोनों को एक ही क्लास में पढ़ेंगे, करीब करीब 4 घंटे में पढ़ेंगे, पाषाण काल और सैंधव सभ्यता को 9 बजे से इसी चैनल पर कल क्लास होगी। ठीक, तो ओ संगम शाबास हृदयेश, और बताइए, कुछ लोग तो बता रहे हैं, बताइए बताइए, अनुज भी दिखाई पड़ रहे हैं, अनुज थोड़ा सा कमजोर हो गए इस समय, क्यों अनुज? देख लिया, अनुज तो मिला था मुझसे, और बताइए रहमान साहब क्या होगा उत्तर इसमें? यही चैनल वसीम मिट्टू, यही चैनल आपका है, मेरा नहीं है, ये किसका है? ये आपका है, तो इसको सब्सक्राइब भी करना है, इसको शेयर भी करना है, कहीं भी जाइए शेयर कीजिए, हमारे नाम से ही आपको चैनल दिखाई पड़ रहा है, हमारे नाम से ही है, मतलब आप लोगों के नाम से ही है। सर मेडुअल हिस्ट्री पूरा करा दीजिए प्लीज। अच्छा सौरभ, कराते हैं मेडुअल हिस्ट्री पूरा। सर नो आइडिया। सर जी आपका, हाँ ये चैनल मेरा ही है, इसको आप लोगों को शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, इस पे नियमित रूप से आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है ना, और पढ़ा जाएगा इसको पढ़ा जाएगा। ठीक, तो इसमें
ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे है, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, पेनिनसुला रेलवे है। इसी को क्या मिला था, इसी को ये काम मिला था। तो भारत में आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ, तो इस समय जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था डलहौजी था, डलहौजी तो ये कहता है कि हमने भारत को बहुत कुछ दिया, रेलवे दिया, डाक दिया, तार दिया, अन्य सारी सुविधाएं दी, भारत हमारे ऊपर ही आरोप लगाता रहता है। तो रेलवे के लाइन बिछाने का काम भारत में कोई भी विदेशी कंपनी राजी नहीं थी भारत में, क्योंकि भारत में लगातार हम लोग मूवमेंट कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, कभी नागरिक आंदोलन होते तो कभी क्षेत्रीय आंदोलन होते, तो कभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले मूवमेंट होते, फिर 1857 का विद्रोह आप लोगों ने कर दिया, फिर आगे स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो क्या होता है कि जब कहीं पर अशांति की स्थिति रहती है, कोई कंपनी वहां पे निवेश करने के लिए नहीं जाती। तो ब्रिटिश सरकार ने इस समय इस कंपनी से कहा कि देखो, अगर लाभ होगा तो लाभ तुम ले जाना, अगर तुम्हारा नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई हम करेंगे। इस शर्त पे इस ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे ने भारत में रेलवे लाइन को बिछाने का काम किया, और पहली जो रेलवे पटरी बिछाई गई थी वो 34 मील की थी, और ये बंबई से पुणे नहीं ठाणे के बीच में थी, ठाणे याद रखना, ठाणे लिखा भी है, और दूसरी कलकत्ता से रानीगंज, तीसरी कराची से लाहौर के बीच में, तीसरी कराची से लाहौर के बीच में यह पटरी बिछाई गई थी। ये देखो, आपके यहां एक बिहार स्पेशल हिस्ट्री का प्रश्न है, इसको देखिए, बड़ा ये फेमस है। 1994 और उसके बाद में भी 2008 में भी ये प्रश्न आया हुआ है, जरा देखिए। क्या इसका विरोध का उद्देश्य क्या है? ये मुंगेर क्या है? मुंगेर वर्तमान में बिहार का एक जिला है। बरहिया ताल विरोध, ये किससे संबंधित है भाई? ये एक क्षेत्र है। मुंगेर का बरहिया ताल क्या है? एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? विरोध करने का कारण क्या है? बकाफ्त भूमि की वापसी। और बकाफ्त भूमि को आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल बिहार उड़ीसा में भू राजस्व की जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, और यहाँ पे भूमि को अंग्रेजों ने छीन लिया और जमींदारों को दे दिया, तो किसानों से छीन लिया। तो किसानों के पास जो भूमि होती है वो अस्थाई भूमि होती है, वो वकास्त भूमि उसको कहा जाता है। एक बकास्त होता है, एक खुद कास्त होता है, एक पाही कास्त होता है। तो बकास्त का मतलब खुद कास्त, जिस पर स्वयं द्वारा खेती की जाती हो उसे खुद कास्त कहा जाता है, और जो भूमि किसी दूसरी की हो या दूसरे क्षेत्र में जाके खेती करते हो उसे पाही। जैसे मान लीजिए कि ब्याह हुआ किसी का, ब्याह होने के बाद में ससुर जी के यहाँ दुर्भाग्य से कोई ना रहा, तो कहते हैं कि जो दूल्हे राजा होते हैं वो ससुर के यहाँ फिर चले गए, और वहां पे उनको पाही मिल गई। पाही मिल गई मतलब वहां पे लड़की की सारी भूमि उनको मिल गई। अब वहां पे वो रहते भी हैं, खेती पाती करते, उसे पाही कहा जाता है। पाही उसे भी कहा जाता है जो पड़ोस में किसी के यहाँ आप भूमि ले लेते हैं, खेती करते हैं, और भूमि से उपज का कुछ भाग उसको, कुछ भाग स्वयं ले लेते हैं। तो इसे खुद कास्त के नाम से जाना जाता है, बकास्त को। तो बकास्त भूमि स्वयं की भूमि होती है, और बरहिया ताल के लोगों ने क्या किया था, बरहिया ताल के लोगों ने 1936 से 38 में एक पंडित जी थे, इनका नाम था कार्यानंद शर्मा। क्या नाम था? कार्यानंद शर्मा। इनके नेतृत्व में क्या किया था? आंदोलन किया था। ठीक, आंदोलन किया। आज भी बिहार में आप लोग देखो तो जमींदारी प्रथा का वास्तव में तो उन्मूलन नहीं हुआ है। वहां पे कोई अगर अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर है, 50, 100, 200, 300, 400 बीघे जमीन है, किसी के पास में एक बीघे जमीन भी नहीं है। आज भी बिहार में यही स्थिति है, या भारत के कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि कोई अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर है, और गरीब है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, यहां तक कि भोजन करने के लिए अन्न भी नहीं है उसके पास में। उसके पास में क्या है? अन्न भी नहीं है। तो करीब करीब 20-22 प्रश्न आप लोगों ने पढ़े, और इसमें प्रश्न तो बहुत हैं और आप लोगों को मिलेंगे भी, लेकिन आज की क्लास को यहीं पे ऑफ कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, इसको आप सभी लोग क्या कर लीजिएगा, इसको इस लिंक को क्लिक करके आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे आपको क्या मिलेगा, यहीं पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलता रहेगा समय समय पे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोग शामिल हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। चैनल को आप सभी लोग जितनी जल्दी शेयर करेंगे उतनी जल्दी आप लोग आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर रेगुलर फॉर्मेट में क्लास आप लोगों के बीच में होती रहेगी। कल 9 बजे आपको मिलेंगे और उसमें पाषाण काल को और सिंधु सभ्यता को पढ़ा जाएगा। पाषाण काल नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, बीपीएससी का जो क्लास था उसमें भी नहीं पढ़ा है, तो कल आप लोग मिलिएगा रात में 9 बजे पढ़ा जाएगा। ठीक, कल 4 बजे की क्लास नहीं होगी, रात में ही पढ़ा जाएगा 2-3 घंटे। ठीक ठीक है, तो रात में 9 बजे और रात में 9 बजे और 4 बजे भी आपकी क्लास होती रहेगी, दो ही समय रहेगा, रात में 9 बजे का, दिन में 4 बजे का। कल हम लोग 9 बजे पढ़ेंगे। सेशन को लाइक कीजिएगा आप सभी लोग, चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और कल थ्योरी की क्लास होगी। ठीक, कल क्या होगी, कल थ्योरी की क्लास होगी, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जहां भी रहिए थोड़ा सा प्रचार वचार करते रहिए आप सभी लोग। ठीक है, ओके, बाय बाय, ध्यान रखिएगा आप। नहीं नहीं हृदय, ऐसा नहीं है, आप लोग हैं तो क्या कमी है हमें।